अब आओ बेटा, मैंने भी आपसे एक बात पूछी थी कि पार्टनरशिप डीड कैसे बन सकती है, ओरल और रिटन, ये तो पढ़ा दी। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है ज़्यादा बेटर क्या होगा, ओरल एग्रीमेंट यानी मुंह जबानी या रिटन? खुद की कॉमन सेंस से बताइए, क्या लगता है कौन सा एग्रीमेंट कराना ज़्यादा बेटर होगा? ऑब्वियसली रिटन, क्योंकि सारे डिस्प्यूट के पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे। बट सपोज करो ओरल एग्रीमेंट होता है, रिटर्न कुछ नहीं लिखते, तो कल को क्या होने के चांसेस है? डिस्प्यूट। अब अगला टॉपिक यही है कि अगर पार्टनरशिप डीड यानी रिटर्न एग्रीमेंट एब्सेंट हो तो हम डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे? फिफ्थ, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस सूरत में क्या क्या डिस्प्यूट्स होते हैं और उसके क्या रिजॉल्वमेंट होंगे? आइए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोबिता सुनियो जियान देते हैं आपको पार्टनरशिप का ज्ञान। आइए देखो क्या है, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो कुछ डिस्प्यूट्स आएंगे। डिस्प्यूट किस पे आएंगे? सबसे पहला आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो क्या हुआ, मान लो नोबिता सुनियो जियान ने जो टॉय शॉप खोली थी उससे इन्होंने कमाए 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए, अब क्या बोलेंगे, इक्वली बांट लो? नोबिता बोलेगा भैया इक्वली बांट लो। सुनियो कहता किस बात का इक्वल, कहता भाई इसको चलाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा मैंने लगाया है। लेट से मैं कहता हूँ सुनियो ने लगाया 30 लाख, नोबिता ने लगाए 10 लाख, जियान ने लगाए 20 लाख। सुनियो कहेगा भाई किस वे इसमें बांटो, इस वे में बांटो, क्योंकि पैसा जिसने ज़्यादा लगाया उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। नोबिता बोलेगा किस बात का, कस्टमर लेके मैं आया हूँ। जियान बोला तो क्या हो गया, माल तो संभाल के मैंने रखा था। हो गया डिस्प्यूट। अब जब डिस्प्यूट हो कहाँ भागोगे? सोचो, सबसे पहले कोर्ट भागते हैं कोई भी डिस्प्यूट हो। अब सोचो जज के सामने भागे नोबिता सुनियो जियान, जज के सामने जाके कह रहे दुहाई है दुहाई है, जज साहब यहां पर हुई हमारी लड़ाई है। अब जज साहब ने कैसे बात सुलझाई है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटाई है। क्या हुआ, इक्वल बांट दो, सिंपल। जज साहब कहते भाई अगर तुम्हारे को इतना था कि कैपिटल रेशियो में बांटना है यानी जितने जितना लगाया उसके अकॉर्डिंग बांटना है तो लिख लेते, एग्रीमेंट क्यों नहीं करके चले? अब लड़ रहे हो तो मेरे पास क्यों आ रहे हो? अच्छा जी, अब नोबिता नोबिता फैल गया। नोबिता कहता भाई मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, सैलरी कमीशन कुछ तो दो, इसको बोलते रेम्यूनरेशन। सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। नोबिता क्या कहता, जज साहब ये सारे जितने भी माल बिकाए मेरी वजह से बिकाए, क्योंकि मार्केट मैं गया, धूप में काम मैंने करा, ये तो एसी में बैठा हुआ था और जियान जियान ने थोड़ा बहुत ही सामान उठा के इधर से उधर रखा है। मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, अगर मैं किसी और दुकान पे होता तो मैं सैलरी लेता नहीं लेता। जज साहब कहते बात तो तेरी ठीक है पर बेटा तूने एक गलती करी। कहता क्या? कहते बेटा तूने लिखा नहीं, लिख लेता ले जाता, नहीं लिखा ना तो क्या होगा, नॉट अलाउड, हम कैसे माने, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। तो क्या हुआ, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल सैलरी कमीशन, पार्टनर को कोई भी सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन कोई भी चीज नहीं मिलेगी। याद हो रहा है ना, ये हो रहा बढ़िया सा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जियान कहता जज साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जज साहब बोलेंगे बेटा काटा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अरे सर एक चीज तो बता दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते किसे है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे आ गए हो? मैंने कहा बता रहा हूँ बेटा, सब्र रखो। आओ जरा इसके लिए 11th क्लास पे चलते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि बिजनेस अलग है बिजनेसमैन अलग है, याद है? आपको पता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस
अलग अलग पर्सन काउंट होते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। अब क्या होता है, बिजनेसमैन बिजनेस में एक तरह से लोन देता है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है, पैसा देता है, ठीक है, जस्ट लाइक लोन। खुद बताओ, अगर आप किसी को लोन दोगे तो बदले में उससे क्या चाहोगे? आप सपोज करो, इमेजिन करो थोड़ा सा, आप किसी पर्सन को लोन दे रहे हो, बदले में उससे क्या एक्स्ट्रा मांगना चाहोगे? सर, इंटरेस्ट। बात समझ आई? तो जो इंटरेस्ट बिजनेस देता है बिजनेसमैन को, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे बिजनेसमैन ना होके यहाँ पे कौन है, पार्टनर्स है। पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे तो उस पर जो इंटरेस्ट वो लेंगे उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वापसी आते टॉपिक पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जियान ने मांगा, मना कर दिया। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो भी मना हो जाएगा, वो भी नॉट अलाउड, एनए कर दिया मैंने, ठीक है। अब सर ये क्या होता है, इसको समझो। अगेन अभी बताया था बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, ये बिजनेसमैन, ये बिजनेस। अब बिजनेसमैन कुछ पैसा लेता है, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेता है, जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, ठीक है। इट जस्ट लाइक अ लोन, कि बिजनेसमैन कह रहा है मैं थोड़ा टाइम के लिए कुछ पैसे निकाल रहा हूँ, इट जस्ट लाइक अ लोन। तो अब जो ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देगा कौन, बिजनेसमैन बिजनेस को, उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, IOD। पॉइंट क्लियर? जैसा इसने लोन दिया तो बदले में इसका फर्ज है इंटरेस्ट देने का, अब बिजनेस लोन दे रहे तो बदले में इसका फर्ज है इंटरेस्ट देने का। पॉइंट क्लियर हो गया? ये हो गया एक पॉइंट। एक तरह से ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर, ये होता है 6% per annum। देखो हुआ क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहां पे आता हूं। हुआ क्या, NSG ने सोचा यार क्यों ना अपना बिजनेस बड़ा कर लिया जाए, एक ही दुकान है, क्यों ना सारे जापान में हमारी दुकानें हो। तो उसके लिए इन्होंने डिसाइड करा कि ये क्या करेंगे, और पैसा इकट्ठा करेंगे, और पैसा लेंगे। डिसाइड हुआ तीनों 30-30 लाख रुपए और लेकर आएंगे। लेकर आ गए जी घर से, ठीक है, पर अभी भी शॉर्टेज थी। लेट से मैं कहता हूँ 5 करोड़ की अभी भी शॉर्टेज थी। अब ये क्या करेंगे, 5 करोड़ की शॉर्टेज है, क्योंकि हर जगह दुकान खोलनी है। अगर आपके पास, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बैंक भागोगे, बैंक से लोन लेने। बैंक के पास गए, बैंक ने मना कर दिया, दूसरी जगह गए, मना कर दिया। अब बताओ सारे रास्ते बंद हो गए, अब कैसे पैसे इकट्ठा करेंगे? नोबिता और जियान की नजरें गई सुनियो पे। यार ये मालदार पार्टी है, इन्होंने बोला यार तू और पैसा लगा सुनियो, तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं लगाऊंगा, मेरे को पैसे पे कोई खास इंटरेस्ट मिलना नहीं है, ठीक है, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई फ़र्क आना नहीं, तो मैं क्यों लगाऊं? उन्होंने समझाया, भाई एक बात सुन, मान ले मैं बैंक से लोन लेता, हम उसको इंटरेस्ट देते। अभी नोबिता और जियान समझा रहे सुनियो को, एक काम कर, वो पैसा तू दे दे, लोन कौन दे रहा है, सुनियो, एज अ बिजनेस। दोबारा समझो, सुनियो क्या कर रहा है, फर्म को एक लोन दे देता है। अब NSG का फर्ज क्या है बदले में, इंटरेस्ट देने का। भाई वो कहते हैं क्या कर, तू इसको एक लोन की तरह दे दे, हम भी देखो बदले में इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो पार्टनर को लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% per annum। ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार दोबारा बोलता हूँ, नोबिता और जियान ने सुनियो को कन्विंस करा, यार तू एक काम कर, तू ना हमारे को एक लोन दे दे, लोन परमानेंटली नहीं कह रहे, यानी हम थोड़े टाइम में चुका देंगे। ध्यान रखना कैपिटल जो होते परमानेंटली होती है, यानी अगर एक बार दे दी तो हमेशा के लिए दे दी, ठीक है। तो सुनियो ने क्या करा, लोन दे दिया। अब उसने कहा जो बदले में इंटरेस्ट हम बैंक को देते वो तू ले लियो,
तो वो कितना इंटरेस्ट होगा, 6% पर एनम का। ये पॉइंट याद आ गया। अब एक बार सिक्स पॉइंट क्या है, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वैसे यहाँ पे वर्ड कंसेंट है परमिशन की जगह, मैंने बट ईजीनेस के लिए परमिशन लिखवा दिया, वैसे कंसेंट है। मतलब कोई भी नया बंदा पार्टनर नहीं बन सकता जब तक पुराने सारे के सारे पार्टनर्स रेडी ना हो जाए, इसको समझो। नोबिता ने कहा क्यों ना हम शिजुका को पार्टनर बना ले, क्यों ना हम शिजुका को पार्टनर बना ले। सुनियो भी रेडी हो गया, जियान ने मना कर दिया, क्या तो मैं नहीं कर रहा। तो नोबिता और सुनियो शिजुका को पार्टनर नहीं बना सकते, ठीक है। आई होप याद हो गया हो। आइए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला नोबिता सुनियो जियान, तीनों का डिस्प्यूट क्या आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। सेकंड, सैलरी, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नॉट चार्जेबल। वैसे मैंने एनए लिखा हुआ है समझाने के लिए, बट चार्जेबल नहीं होगी, यानी किसी से भी वसूली नहीं जाएगी। फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन, ध्यान से देख लो वर्ड बेटा, लोन है लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6% पर एनम का। एंड लास्ट, कोई भी नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो सकता जब तक सारे पार्टनर एग्री ना कर जाए। ये पॉइंट्स थे, ठीक है, इसे अब नोट करिए।